देश की सबसे दिग्गज ऑटोमोबाइल कार निर्माता कंपनी रेनॉल्ट इंडिया ने हाल ही में अपनी न्यू जनरेशन रेनॉल्ट ट्राइबर को भारतीय बाजार में नए अवतार में उतारने वाली है। दोस्तों, कंपनी इस गाड़ी को दिवाली के शुभ मौके पर एक नए अपडेट्स के साथ भारतीय बाजार में उतार देगी। भारत में उपलब्ध सबसे सस्ती 7 सीटर कार दोस्तों अब न्यू जनरेशन विकल्प में आने वाली है, जो कि रेनॉल्ट की ट्राइबर बताई जा रही है। इसका न्यू जनरेशन मॉडल दोस्तों पूरी तरीके से रीडिजाइन और पहले से ज़्यादा बड़ा और स्पेशियस हो गया है। साथ ही गाड़ी में कुछ नए फीचर्स और एक बेहतरीन इंजन परफॉर्मेंस भी जोड़ी गई है, जो कि गाड़ी को पहले से ज़्यादा बेहतरीन बनाने में मदद करता है। साथ ही दोस्तों, ये देश की सबसे सस्ती 7 सीटर MPV है। इसके चलते इस गाड़ी की कीमत भी दोस्तों 5 से 8 लाख रुपये के अंदर ही रहेगी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, दोस्तों गाड़ी का डिज़ाइन पहले से काफ़ी ज़्यादा रीडिज़ाइन और न्यू जनरेशन प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। गाड़ी में आपको फ्रंट में न्यू ट्रिपल स्लॉट LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि रेनॉल्ट के नए लोगो और क्रोम एक्सेंट के साथ आने वाला है। साथ ही गाड़ी में आपको टर्न इंडिकेटर्स के साथ नीचे की तरफ हाइलोजन फॉग लैंप्स और डुअल टोन बम्पर देखने को मिल जाएगा। वहीं बैक साइड में आते हैं तो आपको बैक में एक LED टेल लैंप्स की स्ट्रिप देखने को मिलेगी, जो कि गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक दे पाने में सक्षम बनाती है। साथ ही साथ दोस्तों गाड़ी में आपको डुअल टोन पेंट स्कीम जॉब का इस्तेमाल भी करा गया है। इसके अलावा गाड़ी में आपको साइड स्किड प्लेट्स, रूफ रेस और 16 से 17 इंच के 5-spoke alloy wheels भी गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे, जो कि गाड़ी को एक स्पोर्टी और बेहतरीन लुक दे पाने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस और व्हील बेस भी पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया है, जिसके चलते गाड़ी के इंटीरियर में भी आपको बेहतरीन स्पेस देखने को मिल सकता है। अब इस 7 सीटर MPV रेनॉल्ट ट्राइबर में एक और सीट जोड़ी गई है दोस्तों, जो कि 8 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आएगी। गाड़ी में पहले से ज़्यादा स्पेस हो गया है। साथ ही गाड़ी में आपको डुअल टोन डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जो कि नए 8 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टूडियो के साथ आएगा, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और वॉइस कमांड जैसे कई सारे ज़बरदस्त फीचर्स को सपोर्ट कर पाने में सक्षम रहेगा। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी में आपको क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC, सनरूफ, ऑटोमेटिक AMD गियरबॉक्स और पावर स्टीयरिंग के साथ JBL का साउंड सराउंड सिस्टम पूरी गाड़ी के इंटीरियर में देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों गाड़ी में आपको सेफ्टी बेल्ट के हिसाब से 4 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, पार्किंग सेंसर और 4 पार्किंग कैमरा देखने को मिलेंगे, जो कि गाड़ी को सेफ्टी के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और स्पेशियस बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और कंफर्टेबल रहने वाला है, जो कि भारतीय ग्राहकों को काफ़ी पसंद आएगा। नई रेनॉल्ट ट्राइबर 2022 मॉडल में आपको ज़बरदस्त इंजन परफॉर्मेंस भी देखने को मिलने वाली है। कंपनी इसमें आपको नया 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देगी, जो कि टर्बो वेरिएंट के साथ आएगा, जो कि तकरीबन 120 HP की पावर और 150 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में सक्षम है। और दोस्तों गाड़ी का माइलेज भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपनी इसमें गाड़ी में अब नई CNG किट भी ऐड करने वाली है, जो कि 30 से 40 किलोमीटर तक की रेंज दे पाने में सक्षम होगी। दोस्तों अंत में आते हैं गाड़ी की लॉन्चिंग और कीमत के बारे में। तो इस गाड़ी की कीमत दोस्तों 4 लाख रुपये से शुरुआत होती है बेस वेरियंट, और टॉप मॉडल 7 लाख रुपये तक रखी जाएगी दोस्तों। और साथ ही साथ इस गाड़ी की लॉन्चिंग दिवाली पर या तो इस साल के अंत तक पूर्ण रूप से कर दी जाएगी। तो दोस्तों अब तीर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा आपको रेनॉल्ट ट्राइबर का न्यू जनरेशन मॉडल कैसा लगा, क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे और इसको बुक करवाने में इंटरेस्टेड है। अपनी राय अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को आम आदमी तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।